कोकोनट हलवा बनाएंगे, शिनवारी हांडी बनेगी। अपनी मेन रेसिपी जो बनने जा रही है वो बनेगी शिनवारी हांडी। ये इसकी रेसिपी ऐसी है कि रेसिपी में इंग्रेडिएंट तो बराए नाम है, लेकिन क्या है कि इसका प्रोसीजर ऐसा है कि वो रात से चलता है। अब रात को तो मैं घर चली जाती हूँ, यहाँ पे जो कुछ कर सकती हूँ वही आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन आपने ये करना है कि इसको पूरी रात छोड़ना है। इसमें क्या करना है, अच्छा इसमें हमने थाई पीसेस का इस्तेमाल किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि थाई पीसेस जो है वो मैंने सिर्फ इसलिए कि एक तो एक इसका पकने के बाद ये सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है ये देखें। लेकिन मैंने काम ये किया था कि इसके दो दो पीसेस कर दिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मेरे पास थाई पीसेस थे, इसके हमने दो पीसेस कर दिए और ये मेरे पास हाफ के जी। अब इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन में ये मेरे पास प्याज का पानी। अब आप सोच रहे हो प्याज का पानी कैसे निकलेगा, प्याज का पानी का तरीका ये है कि आप एक काम ये कीजिएगा, एक प्याज लीजिएगा, एक कप पानी डाल के उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा, ठीक है, ब्लेंड करके उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद जो पानी आएगा ना वो ये मेरे पास मौजूद है, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये क्या प्याज का पानी, ये क्या लहसुन का पानी, सेम इसी तरीके से आप इसका भी कीजिएगा और छान लीजिएगा, ये क्या लहसुन का पानी, सही है। अच्छा ये यहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊँगी, देखें जो हमने प्याज का पानी बनाया था ना उसमें जो हमने छाना, छानने के बाद हमारे पास ये प्याज जो है वो बाकी बच गई, तो ये आप किसी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डिस्कार्ड मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप कोई ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं तो एक प्याज और डाल के इसको मज़ीद पीस लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। इसके बाद डालेंगे नमक, नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है जी, ये चला गया। इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसी कंडीशन में इसको पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए हमें चाहिएगा फौजी वनस्पति, ठीक है। अच्छा अब इसमें और क्या चीज़ है कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, वो है काली मिर्च, ठीक है। इसका टेस्ट जो है वो इसी से आएगा, आप देखिएगा जब ये बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छी लगेगी बिल्कुल। इसमें कोई हमने टमाटर नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे इससे मसाला बने, लेकिन फिर भी आप देखिएगा इसका बेहतरीन सा मसाला भी बनेगा और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा, सिर्फ इसलिए कि इसमें हमने उसका इस्तेमाल किया है थाई पीस का, पानी का, थाई पीस और का, मसालों का तमाम, ठीक है ना। ये थाई पीस इसमें टेस्ट लेकर आएंगे, ये क्या इसमें। अब जब आप पूरी रात छोड़ेंगे उसके बाद जब आप इसको डालेंगे उसका भी यही इतना ही पानी मौजूद होगा, पानी ये चिकन के अंदर जज नहीं होगा लेकिन इसमें टेस्ट लेकर आएगा, ठीक है जी। अब हम डालेंगे इसमें फौजी वनस्पति, अगेन फौजी वनस्पति। सोचें ये वनस्पति का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए कहा जाता है अच्छी क्वालिटी का वनस्पति का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम कर रहे होते हैं फौजी वनस्पति, वीटीएफ वनस्पति। आप दाना इसका देख सकते हैं कितना दानेदार है, ये खुशबू भी आती है, जायका भी दे रहा है और सेहत से भरपूर रेसिपीज आपके तैयार कर रहा है और डबल रिफाइंड है गारंटीड। हम कॉलर ले सकते हैं आप, बिल्कुल लीजिए। ये देखिए जी मैंने डाल दिया इसके अंदर, अब क्या करूँगी मैं इसको कवर कर देती हूँ, कवर करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब डालेंगे इसमें हम कुटी हुई कुटी हुई काले मिर्चें, ये जाएंगी तकरीबन, बस इसका टेस्ट इसी से होता है शनवारी का ना, ये तकरीबन 1 टीस्पून से ज़रा भर कर आप डालिएगा। इसको हम 2 मिनट के लिए एक काम करते हैं दम पे छोड़ देते हैं, और ये देखिए इसी तरह से होती है, इसका कोई इतना मसाला नहीं, लेकिन फिर भी आप ये देखें ये अच्छा इसका मसाला जो है ये हो रहा है, ठीक है। जब आप रायते के साथ किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन लगेगा। इसको हम कवर कर देते हैं, चलें ये 5 मिनट के लिए दम पे जाएगी और बेहतरीन तैयार है।